स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोमी स्टडी ऑन। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग DLED 2020 एडमिशन से, जो दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि वैकेंसी रह गई थी काफ़ी कॉलेज में, तो दोबारा से काउंसलिंग होगी। देखिए, आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो 3 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक है, ठीक है। जबकि आप पेमेंट वगैरह ये 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं इसमें, तो सिंपली आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ये सेकेंड वाला पोर्शन देखो, हाँ ये रही। तो आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है 3 दिसंबर से 8 दिसंबर तक है, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा प्रोसीजर, कैसे कैसे आपको रजिस्टर करना है। फर्स्टली आपको स्टूडेंट पोर्टल पर जाना है, देख रहे हैं होम के बाद, अब हम होम पर हैं। होम के बाद अगला जो हमारा पोर्टल है वो स्टूडेंट का, ये स्टूडेंट का पोर्टल हो चुका है ना। यहाँ से क्या करना है आपको, अप्लाई ऑनलाइन पे सर्च करना है, क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में आर यू बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप यस करना है, ना करते तो नो करना है, ठीक है। तो मैं यस करता हूँ। हैव यू पास 10th एग्जामिनेशन इन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू सब्जेक्ट, यस हमें करना है। इनमें से 5 ही आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। 10+2 भी हमने, अगर किसी में भी आप बिलोंग टू इस जनरल बैकवर्ड वीकर क्लासेस, यस। हैव यू पास 10+2 एग्जामिनेशन डिप्लोमा, यस यस करना, जिन जिन को मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद डिक्लेरेशन है आपका, ये द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अबाउट ट्रू। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर रजिस्टर के नेक्स्ट फॉर्म पे यहाँ पे जाना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, क्या हरियाणा के निवासी हैं आप, यस। और कैंडिडेट्स फुल नेम मिस्टर लगाना है, अगर कोई लड़का है तो मिस लगाना है, कोई लड़की हो तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मेरे को, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है ना। डेट ऑफ बर्थ ठीक है, ये मेरी डेट ऑफ हो चुकी है। उसके बाद मेरे को अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर इंटर करता हूँ मैं अपना। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करना है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पासवर्ड चूज करता हूँ अपना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड सेलेक्ट करना है अपना। पासवर्ड सेलेक्ट करते टाइम आपको ध्यान क्या रखना है कि उसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, प्लस के स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, ठीक है। एंटर आंसर यहाँ पे कोई अपना प्लेस वगैरह जो कुछ भी लिख दीजिए, अगर बाय द वे आप पासवर्ड भूल जाते हैं। मैंने अपना गांव का नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यू बॉर्न, यस मैं यहाँ पे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फेवरेट, पेट नेम, पेट नेम दोनों में ही कर देते हैं, चलो कोई नहीं। ठीक है, ये करने के बाद में मैंने क्या करना आपको यहाँ पे, अब 7th प्रोसीड पे क्लिक करना है। 7th प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में देखो, www.dadehariyana.org says please select your course name। यहाँ से मैंने कोर्स नेम सेलेक्ट नहीं किया शायद, हाँ ये चीज़ें मेरे सामने रह चुकी हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोर्स नेम सेलेक्ट करता हूँ, अगर आपके पास उर्दू है तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करिए। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपको, BCB से बिलोंग करता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे BCB के कंडीशन को यहाँ पे यस करना है दोनों की, अगर नहीं करते हैं तो आप BCB से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरल हो काउंट हो जाओगे। फिजिकली हैंडीकैप नहीं हो आप तो नो करना, आपको है तो यस करना है, ठीक है। उसके बाद 7th प्रोसीड पर क्लिक करना है। 7th प्रोसीड पर अभी कुछ रह गया क्या, नो, ठीक ठीक। उसके बाद 7th प्रोसीड पे क्लिक करना, अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर, हम्म,
चलो यहाँ से सेवन प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में कुछ पासवर्ड में दिक्कत हुई है। पासवर्ड में जो दिक्कत हुई है उसे तो आप शायद तो खुद भी कर लेंगे, लेकिन ये रजिस्टर करने का मैंने तरीका बताया। रजिस्टर होने के बाद में, एक बार आप रजिस्टर हो गए तो उसके बाद आप लॉगिन पर जाके अपनी लॉगिन आईडी मिल जाएगी आपको, और पासवर्ड आपने भी डाला है, इसको डालते हुए आप फर्दर फॉर्म को भर सकते हैं। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। दोबारा जिन जो बच्चे रह चुके हैं काउंसलिंग में, बाय द वे किसी रीजन से उन्होंने फॉर्म नहीं डाला था, तो अब वो फॉर्म डाल सकते हैं। अभी बहुत सी वैकेंसी सीटें बची हुई हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, ओके भाई, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।